क्या नजारा है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का ब्रेकफास्ट है बहुत सारे सॉसेजेस, पाव भाजी, बॉइल्ड एग, रोस्टेड पोटैटो, कॉर्नफ्लेक्स और गुलाब जामुन। एंड कल मैं निकला था मुंबई से गोवा के लिए, बट मैं बहुत लेट निकला था, तो इसलिए मैंने बीच में एक ब्रेक ले लिया है। तो अब यहाँ से बस ब्रेकफास्ट करना है और गोवा के लिए निकलना है। अब कोई ब्रेक नहीं है, अब सीधा, अब अगर कोई ब्रेक लूँगा तो लंच कर लूँगा, बट डायरेक्ट गोवा। और जर्नी शुरू करते हैं थोड़ी देर में, और मास्क पहनना ना भूले। लेट्स गो। और इस रूम का जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। रात को तो नज़र नहीं आया था जब मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, बट ये पुणे बेंगलोर हाईवे है जो गोवा भी जाता है, और यहाँ पे कार पार्कड है अपनी सामने, बिल्कुल सामने। अब बस यहाँ से 5 मिनट में निकल रहा हूँ और सीधा डायरेक्ट गोवा। चेकआउट हो चुका है, अब यहाँ से बस निकलना है। जितने भी लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, अगर आपको स्टे करना हो तो द फर्न रेजिडेंसी पे स्टे कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक बहुत ही ज़्यादा, यू नो, आप कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी रूम था। बहुत ही प्राइस इसका बहुत अच्छा था। इसका मैंने जो क्लब सैंडविच मंगवाया था बहुत यमी था, और इसका मैंने डिनर मंगाया था चाइनीज़, वो बहुत यमी था। एंड सबसे बड़ी बात, इसका प्राइस जो रूम का है वो भी बहुत ओके है। इसका जो खाना है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत टेस्टी है, उसका प्राइस भी बहुत कम है। मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसा चार्जेस नहीं था कि आपने एक सैंडविच मंगाया और टी या कॉफ़ी मंगाई और उसका जो बिल है वो हज़ारों में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रूम है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने रूम टूर दिया है, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रूम है, और फूड एंड एवरीथिंग। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस होटल में, एंड आई होप ऐसे ही एक्सपीरियंस, यू नो। और ये बहुत ही रैंडम मतलब बहुत ही रैंडम मेरा एक ब्रेक था जो मैंने लिया, और यू नो ऐसे सरप्राइजेस मुझे बहुत पसंद है, जब आपके यू नो दिमाग में कुछ हो ही नहीं, कोई पिक्चर ही नहीं थी कि कहाँ रुकना है, रूम कैसा होगा, फूड कैसा होगा, तब बड़ा मज़ा आता है। तो एनीवेज यहाँ से निकलते हैं अब, एंड मैप लगाते हैं और डायरेक्ट गोवा। सो गोवा का डिस्टेंस यहाँ से पड़ रहा है 309 किलोमीटर, 6 घंटे 50 मिनट, और 7 बजे पहुँच जाऊँगा, मतलब 7 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। सो अब इधर से मैं निकल रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं अब थोड़ा सा यू नो जल्दी पहुँचूँ, बजाय कि 8 9 बजे के। तो ब्रेक मैं शायद एक ही लूँगा लंच का, और उसके बाद अब सीधा खींचना पड़ेगा यार। भाई दिल से बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, इनसे मुझे आज बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मतलब ये लोग जब सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, तो इनको ये वाला व्यू मिलता है, मतलब ऐसे व्यू में ये लोग रहते हैं, हद हो गई यार। क्या किस्मत है इन लोगों की यार, क्या किस्मत है। मतलब ये व्यू है यहाँ का रोड पे, भाई असली ऐश तो यही लोग ले रहे हैं यार। इतना अमेजिंग हाईवे और ऐसा व्यू, मजा आ गया यार, मजा आ गया। सतारा वाले लोगों, आई एम जेलस, यस आई एम जेलस। कोल्हापुर क्रॉस करना है, 113 किलोमीटर रह गया है। मैंने लंच ब्रेक कोल्हापुर में लिया है, और इस जगह का नाम है कोल्हापुरी तड़का, और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग जगह लग रही है देखने में। तो यहाँ पे आपको एक डायनासोर वेलकम कर रहा है, दूर से दिख जाएगा, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि दूर से दिख जाएगा। आई होप भाई इसका खाना अच्छा हो, अच्छा होगा तो ज़्यादा बढ़िया है, और जगह भी नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है कि जगह नीट एंड क्लीन नहीं है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, स्पेशियस भी काफ़ी है, और पार्किंग भी अच्छी है, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। बट अच्छा सूप खाना, बस खाना अच्छा होना चाहिए। चिकन मसाला, ये चिकन फ्राई, तांबड़ा रसा, ओके होता है, हाँ ठीक
ठीक है, पांडा रस। कौन सा रसा? पांडा रस। पांडा रस, अच्छा। सोलकड़ी। सोलकड़ी, सोलकड़ी, ये कड़ी है? हाँ। पिंक कलर की? पिंक कलर। अच्छा चलो जी, आप खा के बता दो कैसा इसका। थैंक यू भैया। रोटी का साइज हो तो इतना हो कि कम से कम तीन रोटी की एक रोटी है, तीन रोटी की, भाई सब मजा आ गया, इतनी गर्म है। मैंने खा के रिव्यू देता हूँ। भैया आपका नाम क्या है? उदय। उदय, ये आ गया गोंगनोली टोल प्लाजा, और यहाँ पे लगेगा टोल, बहुत टोल। गोवा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 158 किलोमीटर रह चुका है, और गाड़ी अभी तक चल चुकी है 162 किलोमीटर। माइलेज आ रही है 22.4 की, बीच में 24 की भी आ रही थी माइलेज। हाईवे बहुत ही अमेजिंग है, और 158 किलोमीटर भाई, पूरी वाइब्स आ रही है, पूरी पूरी। एक तो ये जो रोड है ना भाई, मज़ेदार मज़ेदार रोड है। वो बात अलग है कि आपकी टॉप स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 60-65, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इतने में या तो कट आ जाता है, या फिर स्पीड ब्रेकर आ जाता है, या सामने कोई कार आ जाती है। इन रोड्स का भी अपना ही एक मज़ा है ड्राइव करने का। मैं स्टे कर रहा हूँ बागा बीच पे, वो अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, मगर मैंने गाड़ी रोकी है यहाँ पर। ये देखो यार, मतलब क्या नजारा है यार। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब वर्ड्स में मैं नहीं बता पाऊँगा ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। बट एक चीज़ जो मुझे सच में पसंद नहीं है वो है ये, इतनी इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन और उसकी बैंड बजा दी लोगों ने यहाँ पे, पानी की बॉटल, चिप्स को। चलो, कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। फाइनली मैं गोवा पहुंच चुका हूं, और ये जो सामने जो जगह है ये है बागा बीच, और बिल्कुल बागा बीच के सामने ही मेरा रिजॉर्ट है। सामने पूल है, ये सी व्यू है, और सामने बागा बीच है। तो जैसे ही आप रूम में आते हैं, आपको मिल जाता है यहाँ पे बैठने जगह मिल जाती है। ये आपका बेड है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे आपको कबर्ड मिल जाती है, यहाँ मिरर मिल जाता है, ये इनका बाथरूम है जो कि अच्छा खासा बड़ा है, टब है, साइज अच्छा है इनके, हाँ बाथरूम का साइज अच्छा है, इनफैक्ट रूम का भी साइज काफ़ी बड़ा है। रिजॉर्ट में वैसे भी आपको ना हर चीज़ बड़ी मिलेगी, चाहे वो बाथरूम हो चाहे रूम हो। नाइस, वैसे भी इतनी लंबी ड्राइव हो गई, और यू नो बहुत टायरिंग हो गया था यहाँ तक पहुँचना, बट इट्स ओके। तो अब बस कल सुबह का जो व्यू आना है उसका इंतज़ार है, क्योंकि अभी सामने ये छोटी 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 बोट्स खड़ी हैं जो आपको नहीं दिख रही होंगी। ये पूल बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है इतने इतनी रात में। और वो बागा बीच, हो बागा बीच तो वैसे ही बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अंदर चलते हैं। और
और ये मुझसे एक छोटा सा लॉल हो गया, गेट हो गया लॉक और चाबी है अंदर, मतलब कार्ड है अंदर।